Madhiva. Hello. फिर से CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था CI माइनस SI के वो सारे क्वेश्चंस जो कि 2 ईयर्स के लिए थे, चाहे वो इंटीजर वाले क्वेश्चंस रहे हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस रहे हो, सभी के आपको शॉर्टकट तरीके बताए गए थे और फिर से लेकर के आए हूँ ये वीडियो CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स, जिसमें फिर से एक क्वेश्चन को हम लोग एक दो तरीके से नहीं, अगर आप XY वाले तरीके हटा दे तो फिर से मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ और आपको मैं फिर से बोल दूं आपको XY तरीके कभी जिंदगी में फॉलो नहीं कर दें। तो यहां पर एक वीडियो एक क्वेश्चन पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं 5 तरीके और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं लास्ट वाले सेशन की तरह। तो शुरू करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन, इसे आराम से पहले समझते हैं 5 तरीके और उसके बाद आते हैं हम लोग अपने वाले तरीके पर। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं इसे, यहां पर पहला तरीका समझते हैं इसका। सबसे पहला तरीका टेबुलेशन। तो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो पर बताया था कि किस तरीके से प्रिंसिपल मानते हैं, बोलिए प्रिंसिपल मानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से। ये आ गया 1/10, चूंकि टाइम है 3 साल तो पावर लगा देंगे 3, तो बोलिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10^3, 1000 रुपए। जरा 3 साल का टेबल बना लो, 3 साल का टेबल, 1000 का 10% 100 रुपए, दूसरे साल भी 100 रुपए, तीसरे साल भी 100 रुपए। ये कौन सा वाला ब्याज है, ये है SI और SI होता हर साल का सेम, तो हमेशा यहां पर आया 100 100 100। अब हम लोग बनाएंगे ब्याज पर ब्याज, तो हमने उठाया फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का हमने बनाया ब्याज, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज का ब्याज, बोलिए नीचे कितने साल आएगा, तो फर्स्ट ईयर के नीचे है 2 साल तो 2 बार आएगा, 100 का 10% हुआ 10 रुपए, 100 का 10% हुआ 10 रुपए। फर्स्ट ईयर के ब्याज का ब्याज, नीचे दोनों साल भर दिया, फर्स्ट ईयर का काम खत्म। अब हम उठाते हैं सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर में जरा ध्यान दीजिए टोटल ब्याज कितना लिखा हुआ है, 100 + 10 = 110 रुपए, 110 रुपए का नीचे ब्याज कितने साल आएगा, सिर्फ 1 साल आएगा, तो 100 का 10% हुआ, 110 का 10% हुआ 11 रुपए। तो आपने देखा लास्ट वाले वीडियो पर आपको बताया गया था, ये कंप्लीट पार्ट आपको क्या बताएगा, बोलो भाई क्या बताएगा, CI, और ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या बताएगा, SI। तो फिर ये रिमेनिंग पार्ट आपको क्या बताएगा, ये रिमेनिंग पार्ट आपको बताएगा CI - SI, चूंकि 3 साल की बात है तो हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं D3, क्या बोलेंगे D3। तो D3 आपको कितना निकल करके आया है, 10 10 20 10 30 और 1 31, बोलो 31 = कितना दिया हुआ है, 93, कितने गुना, 3 गुना, और पूछा गया है प्रिंसिपल, कर लो 3 गुना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3000 रुपए, आंसर हो गया 3000 रुपए। आई होप ये आपको टेबुलेशन मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका तरीका आपको बताता हूं मैं, रेशियो मेथड, सेकेंड मेथड देखते हैं, रेशियो मेथड। तो देखिए रेशियो से कैसे लगाएंगे, लेट प्रिंसिपल 1000 रुपए, 1000 रुपए आपने प्रिंसिपल मान लिया, 10% निकाला तो आया 100, 10% निकाला तो आ गया 10, और फिर से 10% निकाला तो आ गया 1 रुपए, चूंकि 3 साल की बात हो रही थी, 3 बार आप इंटरेस्ट निकालेंगे। अच्छा 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 साल का रेशियो होता है 3 3 1, तो आपने 3 3 1 से कर दिया गुणा। ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट आपको बताएगा CI, और ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बताएगा आपको SI, और फिर ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपको रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट मतलब D3 बताएगा CI - SI का 3 साल का डिफरेंस, 10 3 30 और 1 × 1 1, तो 30 + 1 हो गया 31, और 31 = दिया हुआ है 93, कितने गुना दिया है, 3 गुना, तो आपसे पूछा था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को 3 गुना कर लेंगे तो आंसर मिल गया आपको 3000 रुपए। तो ये आपने बिना XY के 2 तरीके आपने समझे, एक तरीका मैं और एक्सप्लेन करता हूं। आते हम लोग तीसरे तरीके की तरफ, आते हम लोग तीसरे तरीके की तरफ आते हैं। तो देखिए तीसरा तरीका इसका समझते, वे 3, इसका तीसरा तरीका समझते,
लगाते हैं हम लोग इस पर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। लेकिन मैं बता दूं, ये सब चीजें देखने में बड़ी अच्छी लगती है, जहां क्वेश्चन एग्जाम पर आता है फ्रैक्शन को लेकर के ये सारी चीजें रखी की रखी रहेंगी। जहां एग्जाम पर क्वेश्चन आता है अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो यहां पर इस बात को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उठाइए वैल्यू और पुट कर दीजिए इस पर। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 93। जरा वीडियो चेक कर लीजिएगा, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर मतलब इंटू 100 और 300 प्लस आर, और 300 प्लस आर मतलब हो गया 10 पुट कर लिया 310, और नीचे लिखा हुआ 100 का क्यूब, 100 × 100 × 100। तो ये 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 31 से यहां पर काटेंगे तो आ गया 3 × 1000। तो बोलो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल फिर से निकल आया 3000 रुपए, प्रिंसिपल फिर से निकल आया 3000 रुपए। तो आई थिंक ये बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। यहां पर एक तरीका मैं और एक्सप्लेन करता हूं, अगले तरीके पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट तरीका इसका समझते हैं, देखिए अगला तरीका फिर से आप लगा दीजिए ईपी कंसेप्ट, आप लगा दीजिए इस पर ईपी कंसेप्ट। देखिए ईपी कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, ईपी कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, ये मैंने लास्ट वाले वीडियो सीआई माइनस एसआई फॉर टू इयर्स पर आपको ऑलरेडी बता रखा, आप जाकर उस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आप चाहे तो दो बार फॉर्मूला को लगाएं, और या फिर आप डायरेक्टली 3 साल का कैसे यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वीडियो आप देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखिए आप दो बार, चूंकि ये 3 बार दिया हुआ है, 3 साल के लिए दिया हुआ है, तो दो बार आप 10% का रिजल्ट निकाल लीजिए। 10 प्लस 10 का कितना बनेगा, 21, और इस 21 को 10 के साथ में लेंगे, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे 100, तो ये आ जाएगा 33.1%, 33.1% आ जाएगा। ये तो कंपाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, लेकिन हमें कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब नहीं था, हमें किस चीज से मतलब था, सीआई माइनस एसआई से। तो एक बात बताइए, यहां पर ये वाला जो पार्ट है 3 हट जाएगा ना भाई, 10 10 20 10 30, एसआई की बात करें तो 30% एसआई होगा, और अगर हम सीआई की बात करें तो यहां पर रिजल्ट आपने देखा था 33.1% ये सीआई आया। तो हमसे तो बात हो रही थी सीआई माइनस एसआई की, तो सीआई माइनस एसआई की यदि बात हो रही थी तो 33.1 से 30% आप घटा देंगे तो बचेगा क्या, 3.1%, जिसकी वैल्यू दी है आपको 93 रुपीज। बस यहां से कैंसिल कर लीजिए और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 31 × 3 होता है, तो ये आ गया 3000 रुपए। आई होप चौथा तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बड़े आराम से हम लोग दो बातों को समझते हैं, और इसके बाद फिर से स्पीड को हम लोग बढ़ा देंगे, ध्यान से समझते रहिए। अब जो मेन तरीका है, जिस तरीके से हम लोगों को एग्जाम पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अब उस तरीके पर आते हैं जिस तरीके से हम लोगों को एग्जाम पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए तरीका नंबर पांच। अब देखिए एग्जाम पर हम लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए 1/x फॉर्म में, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए 1/x फॉर्म पर, तो D3 का मतलब, आई होप सभी बच्चा समझ पा रहा होगा, सीआई माइनस एसआई फॉर 3 इयर्स। ये हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग ऐसे बनाएंगे। 3 गुणा करके ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x+1 आएगा। बोलो भाई आएगा नहीं आएगा, 3x+1 आ गया।
ये जो 3x plus 1 आया ये आपको क्या बताएगा d3, लेकिन हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या होगा नीचे वाला नंबर होता है प्रिंसिपल, x गुणे x, क्यों तीन बार गुणा किया क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इयर्स है 3, तो ये आ गया प्रिंसिपल x³। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि हर क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, और कहां पर ये अप्लाई नहीं होगा वो भी चीज इसी वीडियो पर आपको बताई जाएगी। अभी 2 मिनट का केवल आप इंतजार करिए। देखिए यहां पर 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/10, हमने बोला यहां पर बना लो CI-SI फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 गुना करके एक जोड़ देंगे, ये आ गया 31, और 31 बराबर CI-SI दिया है, कितने गुना दिया है 3 गुना, आपसे पूछा था प्रिंसिपल, मतलब 10³ मतलब 1000, 1000 का 3 गुना कर लेंगे तो ये आपका आंसर निकल करके आ गया ₹3000। और इसी प्रकार से आपको एग्जाम पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 1/10 कर देंगे, 1/10 इंटू 3, 3 गुना करके एक ऊपर वाला नंबर आप जोड़ देंगे, 30+1 हो गया 31, 31 बराबर 93, कितने गुना 3 गुना, तो 10³ × 3 कर दीजिए, ये आ गया ₹3000 आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये प्रैक्टिस करते हैं, और जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, जो बच्चे समझ चुके हैं आंसर करिए। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, बोलिए d3 कैसे बनाते हैं, 3 गुना करके ऊपर जोड़ दीजिए, ये हो गया 61, और यहां पर 61 बराबर कितना दिया है 122, बोलो भाई कितना गुना दिया, बच्चा जानता है यहां पर दिया 2 गुना, तो बोलो प्रिंसिपल कितना आपसे पूछा गया था, तो प्रिंसिपल तो 20³ हो जाएगा, 20³ होता है 8000, 20³ होता 8000 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा ₹16000। तो आपने देख लिया CI-SI चाहे 2 साल के लिए दिए हो चाहे 3 साल के लिए दिए हो, आप क्वेश्चन को बड़ी ही स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरा आप ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये 2-3 साल का जो दिया है यहां पर आपको इंटीजर ना दे करके फ्रैक्शन दे दिए गए। देखिए इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/9 पहला फ्रैक्शन, दूसरा 1/7, तीसरा 1/10, हमने बोला नीचे तीनों को जोड़े और ऊपर वाला एक जोड़ दें, ये आ गया d3, क्या काम करें नीचे वाले सबको जोड़े और ऊपर एक जोड़ दें, तो ये आ गया d3, देखिए कितना आ गया 9, 7, 16, 10, 26 और 1, 27 बराबर बोलिए कितना दिया है 54, बोलो भाई कितने गुना 2 गुना, आपसे पूछा है प्रिंसिपल, गुणा मार जाओ, नीचे गुणा ही तो होता है 9, 7, 63, 630 का गुणा 2 कर लेंगे, 2, 3, 6, 6, 12, बोलिए आंसर कितना हो जाएगा ₹1260। आई होप सभी बच्चों को ये बातें क्लियर हो पा रही होंगी। अगले क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, ये ₹1701 दिया हुआ है CI-SI, देखिए 15%, अब ध्यान दीजिए, आराम से समझिएगा इस वीडियो को, आराम से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अलग है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ चुका है, अब 1/x फॉर्म पर नहीं रहा, 15% का फ्रैक्शन बनता है 3/20, क्या ये 1/ फॉर्म पर है, जी नहीं, ये है a/x फॉर्म पर, या आप कोई भी फॉर्म उसका नाम बोल सकते हैं, हमने बोल दिया ऊपर इस बार 1 नहीं, ऊपर कुछ ना कुछ हमें नंबर दे दिया गया a/x। अब देखिए यहां से d3 कैसे बनाते हैं, अगर 1 होता इंटू 3 गुना करके एक जोड़ देते, बट यहां पर 1 नहीं है, तो क्या काम करेंगे, अभी भी वही काम करेंगे, नीचे 3 गुना करके जोड़ दीजिए, नीचे कितने गुना कर दीजिए 3 गुना करके जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x+a, इतना पार्ट तो पहले भी था, a की जगह था 1, अब हम क्या काम करेंगे, जो भी ऊपर नंबर है उसके स्क्वायर से कर देंगे गुणा, लो भाई फिर से d3 तैयार हो गया, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, कोई रेशियो लगाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा इस तरीके से सोच सकते हैं, नीचे 3 गुना करके आप ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे और ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर का कर देंगे गुणा, ये तुरंत d3 तैयार हो जाएगा। और यदि आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो आपने देखा नीचे वाले नंबर का कर देंगे क्यूब, ये आ गया प्रिंसिपल, जरा इस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करते हैं, देखिए 15% का फ्रैक्शन हुआ 3/20, 15% का फ्रैक्शन हुआ 3/20, गुणा 3 करके आप ऊपर वाला नंबर जोड़ दीजिए, 20, 3, 60 और 3 हो गया 63, 63 गुणे 9,
नो, क्योंकि तीन का स्क्वायर करेंगे, नो, ये दिया है 1701 रुपए, कितने गुना हो गया ये, तीन गुना, 9 3 27, 3 3 7 3 21, ये आ गया 3 गुना, आपसे बोला है प्रिंसिपल बता दो, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000, बोलो 3 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24000 रुपए। आपने देख लिया, इस पर भी आपको किसी भी प्रकार से टेबल या रेशियो कुछ भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के साथ में जुड़ी रहिए, बहुत खास खास चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये आ गया आपका काम, ये आ गई आपकी क्विज, और इस क्विज को मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, इस क्विज का, और इसे प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पेन पर सॉल्व कर लीजिए। यदि आप ओरल सॉल्व करने में सक्षम है तो आप उसे सॉल्व कर लीजिए। जिन बच्चों ने CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स का वीडियो नहीं देखा हुआ था, वो पहले ऊपर एक लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उस पर जाकर के CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स का भी चेक कर ले। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और